समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क AIMIM में शामिल होने के संकेत। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क इन दिनों अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं और खुलकर बोल रहे हैं, जिसके बाद उनके अब किसी और पार्टी में शामिल होने के कयास लगाए जाने लगे हैं। इस बीच AIMIM सांसद इम्तियाज जलील ने बर्क को अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है और कहा कि उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सपा में एक राजा होता है और बाकी आप कितने बुजुर्ग हो इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए बर्क साहब को कल का इंतजार नहीं करना चाहिए। AIMIM सांसद ने कहा कि शफीकुर रहमान बर्क आज ही हमारी पार्टी में आए, हम उनका हाथ फैलाकर स्वागत करेंगे, पूरी इज्जत के साथ हम उन्हें कबूल करेंगे। आज देश के हालात जो है उसके हिसाब से अगर हम अपनी कयादत को एकजुट कर खड़ा नहीं करेंगे तो हमारे साथ और भी ज्यादा जुल्म होंगे। मजलिस में हम उनका खुशामदीद करना चाहेंगे, उनके अनुभव का यहाँ सही इस्तेमाल होगा जिसके उन्हें भी फायदा मिलेगा और हमें भी मिलेगा, इसलिए उन्हें हमारे साथ आना चाहिए। भाजपा के खिलाफ पूरे विपक्ष को एकजुट करने वाले नेताओं से उन्होंने सवाल किया कि जब पूरे विपक्ष को एकजुट करने की बात होती है तो हमें साथ क्यों नहीं लिया जाता। उन्होंने कहा कि लालू और मुलायम के बेटे मुसलमानों के वोटों पर राजनीति करते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि अगर AIMIM को साथ ले लिया तो फिर मुस्लिम मतदाता उन्हें छोड़कर AIMIM में चला जाएगा, इसलिए वह लोग हमें गठबंधन में शामिल नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि पूरा विपक्ष एकजुट हो। AIMIM भाजपा को सिर्फ हराना ही नहीं चाहती बल्कि देश से खत्म करना चाहती है। इम्तियाज जलील ने कहा कि विपक्षी नेता यह बताएं कि वो हमें गठबंधन में शामिल क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के दलों को मुसलमानों के सिर्फ वोट चाहिए, उनका नेतृत्व इन्हें पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि मुसलमानों का नेतृत्व हो। बर्क एक बार AIMIM के टिकट पर अपने पोते जियाउर रहमान बर्क को संभल से चुनाव भी लड़ा चुके हैं। जियाउर रहमान बर्क अभी सपा के विधायक है और वह भी दादा के साथ सपा को अपने बगावती तेवर दिखा रहे हैं। इस बात से ऐसा भी संकेत मिला है कि सांसद शफीकुर रहमान बर्क AIMIM में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जम जम न्यूज़ इंडिया।